मेरा मूल कसर हो गए, बेजार हो गए, लोग अलग अलग लोग क्या है समझ नहीं आ रहा है, ऐसी भी राजनीति कही जा रहा है बोला मुझे चुप हो रहे। सर बताइए, आज आप यहाँ गौड़ाचार्य के ऑफिस आए हैं, जैसे उन्होंने कहा था सेक्शन होने के बाद में आपसे मुलाकात करेंगे, मुलाकात होने के बाद में क्या कहा था उन्होंने? आज बोले भी उन्होंने क्या बोले, ऐसा मेरे हाथ में परमिशन देने नहीं है, स्लम बोर्ड मिनिस्टर रे सोमण्णा उनको पास परमिशन लेना, अगर डिफरेंट ही बात कर रही हूँ क्या भी समझ में नहीं आया, वो उनको देने का इरादा नहीं है, उसके आज तक बोल रही बोली दिखता है उसके आज तक क्या है, सोमण्णा के पास भी हम जाएंगे जाको परमिशन लेने का देखेंगे। अब 4 महीने है, 4 महीने में आप स्टार्ट कर, 4 महीने में घर का ग्राम फिनिश करके दिए गया, फिर 4 महीने के बाद जो कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है उनको घराम बन को देने होता नहीं, पाप ये लोग क्या है गरीबों को, गरीबों का बहुत ही तकलीफ में ही बहुत परेशानी हो लोग, उसमें पैसे खर्चा करने वास्ते के जे बाबू 18 करोड़ खर्चा होता है, 18 करोड़ खर्चा करने के जे बाबू देने तैयार है, और परमिशन देने उन्होंने नहीं तैयार रहे तो हमें क्या झगड़ा करना होता है जनता के पास, परमिशन करके जी एमएलए के हाथ में क्या नहीं है जी, एमएलए के हाथ में क्या भी क्या नहीं है जी, सब कुछ है एमएलए, एमएलए एरिया का राजा है, एमएलए सब दिल करे बोलो तो काम होता है, उन्होंने क्या ऐसा टर्न होगी क्या है समझ ना रहा है, सियासत कर रही थी क्या करेंगे कैसा हमें बोलना होता है, अगला प्लान क्या है हमारे सोमण्णा साहब के पास से स्लम बोर्ड मिनिस्टर के पास जाकर बात करेंगे, उन्होंने क्या बोलते हैं देखिए, उनको भी लेटर तैयार करता हूँ जाकर बात करेंगे, बात करने के बाद उन्होंने क्या बोलते हैं देखिए। सर जो आपका वादा था 2 तारीख से काम शुरू करने का, ये वादा कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है, और अब क्या जी करूँ, क्या लड़ना लड़ना क्या जी लोग से, सरकार से लड़ना होता क्या जी, अब पैसे देने मैं तैयार हूँ, काम करने मैं तैयार हूँ, बन को देने मैं तैयार हूँ, उन्होंने घर खाली करके देने तैयार ही, तो अभी नो परमिशन नहीं तो हमें क्या करना होता है, क्या गवर्नमेंट से लड़ने होता है। सर यहाँ कई सारी औरतें आई हैं, उनके उनके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा है, गुस्सा नहीं है भाई, सब रो रही, सब अंचा में पानी निकाल ली, सब रो रही, अब हमें क्या करना होता है देखिए, फिर सब बात को बढ़ाने का नको हम वही सब मेरे चिकपेट क्षेत्र के माना भाई से माँ बहनों से एक चीज रिक्वेस्ट क्या है, इसे क्या भी गलाटे कर ले नको, हमें क्या भी गलाटा करने आको नहीं, हमें सब जोड़ को सबको ले ले जाने आको ही, तुम्हें भी दिल बढ़ा कर को अब एक टाइम ट्राई करेंगे, इसमें क्या भी नहीं, अब एक मौका दियो गलाटे कर लियो उनको बड़ा कर लियो प्रॉब्लम को, इसमें जात का पार्टी का और को सब मिक्स कर लियो उनको, देखिए अब एक 2 दिन देखने में क्या भी नहीं, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೀವೇ ಬನ್ನಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮನೇನು ನೋಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕಷ್ಟನ ಮಾತಾಡಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮುಖಾನೇ ನಮಗ್ ಮರ್ತೋಗಿದೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ವಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಒಳಗಡೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ರೋಡ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ 6 ತಿಂಗಳು ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಮನೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಾಗಿದೆ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರೇನಂದ್ರು ನಾವು ಎಂಎಲ್ಎ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕರೆದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಕೇಸ್ಗಾರ್ ಅಂದ್ರೆ 100 ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 100 ಮನೆ ಸೊಂದಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೆಗಲಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದ್ರೆ ಇದೆ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಸಿಟ್ಟು ಸಾಹೇಬ್ರು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಮನ್ಸಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ ಏರಿಯಾಗ ಬನ್ನಿ ನಮ್ ಸ್ಲಮ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೇಲೂ ನೋಡಿ ನಾವ್
ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ।